अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल शहज़ादा। जी तो फ्रेंड्स, आज की न्यू वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस न्यू वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सैमसंग गलेक्सी A51 की, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल शहज़ादा पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल टेक्निकल शहज़ादा को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल टेक्निकल शहज़ादा को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के साथ में बना हुआ बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलें इसको बॉक्स को हम कर लेते हैं ओपन। तो बॉक्स को ओपन करते ही आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ, इसकी पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस 54,000 है, ठीक है। ये 54,000 की प्राइस टैग के साथ पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो मेन हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बताई गई हैं यहाँ पे आपको बॉक्स के ऊपर मैंशन की गई हैं, 128 GB एंड 6 GB रैम के साथ, ठीक है। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले तो आपको आपकी ये डिवाइस मिल जाती है, ठीक है। ये मेरे पास जो डिवाइस है ये पिंक कलर में मौजूद है, तो इसको कर लेते हैं हम पावर ऑन। और जब तक ये ऑन होता है, इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन पे, बाकी एक्सेसरीज़ पे हम एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके बॉक्स के दूसरी साइड पर आपको इस बुक पेपर में, बुकलेट में आपको इसके पेपर वर्क मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये वारंटी कार्ड और कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक सिलिकॉन पाउच मिल रहा है इसके साथ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सैमसंग बहुत कम ही सेल फोन के साथ पाउच दे रहा है। तो सिलिकॉन कवर आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में है। तो इसके बाद इसका सिम इंजेक्टर जो है, सिम इंजेक्टर को हम निकाल लेते हैं इसके। और बाकी बॉक्स में अगर नज़र डाल ली जाए तो बॉक्स के अंदर आपको ये इमी इसके मिल जाती हैं। और अगर डाटा केबल की बात कर ली जाए तो हमें यहाँ पे टाइप सी की डाटा केबल मिल रही है, ठीक है। तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ठीक है, फास्ट चार्जिंग के साथ है। और हैंड फ्री की अगर बात कर ली जाए तो हैंड फ्री वही नॉर्मल जो रैंडम इसका डिज़ाइन आ रहा है। तो सैमसंग वालों से हम गुजारिश करते चलें कि बराए मेहरबानी ये डिज़ाइन काफ़ी ओल्ड हो चुका है, तो इसको चेंज कर लें कोई डिज़ाइन। उम्मीद है फ्यूचर में डिज़ाइन हमें कुछ चेंज मिलेगा इसका। तो अगर पावर अडाप्टर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 9 वोल्ट और 1.67 के साथ इसका फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है। तो इट्स राउंड अबाउट 15 वाट के साथ इसकी फास्ट चार्जिंग होगी। तो सेल फोन हमारा स्टार्टअप हो चुका है। शायद आई थिंक मैंने आपको पहले इसका कलर जो है पिंक बता दिया है, सॉरी माजरा चाहता हूँ, ये पिंक नहीं है, ये वाइट है। आपको ये सेलफोन पिंक कलर और ब्लैक कलर और वाइट कलर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वाइट कलर है इसका। तो ये काफ़ी रेनबो शेप दे रहा है, बैक साइड पे लुक अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। और इसके जो कैमरा है, बैक कैमरा आपको बताता चलूँ कि 48 MP का इसका मेन कैमरा है, ठीक है। और इसके साथ में आपको एक कैमरा मिल रहा है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल है, और एक माइक्रो कैमरा और एक डेप्थ सेंसर, ठीक है। तो फाइनली फ़ोन जो है, आपको शायद ये पता होगा कि सैमसंग के सेल फ़ोन थोड़ा फिंगरप्रिंट के हिसाब से थोड़े स्लो ही चलते हैं। और अगर इससे पहले कुछ इसके अलावा और कंपनीज़ की बात कर ली जाए तो बहुत सी और कंपनीज़ आपको यही स्पेसिफिकेशन, यही चीज़ थोड़ी सी लो प्राइस में आपको दे रहे हैं। इससे बेहतर आपको मिल रहा है इस प्राइस में और कंपनीज़ में, लेकिन ओवर एंड ऑल आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल रही है। तो सैमसंग ब्रांड के हिसाब से अपनी एक अलग वैल्यू रखता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है इसका ये ख़ास वाल पेपर। और इसके अलावा इसमें ये जो बिल्ड सिस्टम है इसका, सैमसंग का, इस बार काफ़ी अप्रूव किया गया है, इसमें काफ़ी चेंजिंग की गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये एक्सपीरियंस होने वाला है। और यहाँ पे इसकी बैक साइड पे जो कैमरास की शेप दी गई है, एल शेप में ये कैमरास दिया गया है, फ्यूचर फोन्स में आपको काफ़ी सेल फोन्स में ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए इसके फ्रंट कैमरा की, कैमरा की बात कर लेते हैं, तो कैमरा के हिसाब से काफ़ी अच्छी इसकी स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है। तो कैमरे की हम एक पिक्चर, तो ये आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर को, डिटेल काफ़ी वाजे और खुलकर सामने आती हैं। लेकिन थोड़ी सी लाइट सेटअप के हिसाब से इसकी वाइटनेस थोड़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन ऑल एंड ऑल इसका 32 MP का पंच होल कैमरा आपको इसमें मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड कर रहा है। और इन डिस्प्ले आपको मिल रहा है फिंगरप्रिंट। और इसके अलावा सैमसंग ने यहाँ पे सबसे कम कीमत में सुपर एमोलॉयड डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करवा दिया है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है ये इसका अल्ट्रा सुपर एमोलॉयड डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए हमारे बैक कैमरा की, तो बैक कैमरा आपको 48 MP का मेन कैमरा आपको मिल रहा है इसका।
और इसके साथ आपको माइक्रो कैमरा मिल रहा है, तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है, और तो इसके बैक कैमरा का रिज़ल्ट भी काफ़ी वाजह और काफ़ी अच्छा खुलकर सामने आता है, और डिटेल काफ़ी वाजह होती है इसमें। तो इसकी बात कर ली जाए, नीचे आपको मिल जाता है इसका स्पीकर ग्रिल और टाइप सी की पोर्ट और 3.5 mm जैक। तो इसके अलावा साइड पे इसकी आपको सिम स्लॉट मिल जाएगी, तो चेक कर लेते हैं हम सिम एजेक्ट करके कि हमें इसकी सिम स्लॉट में क्या सेटअप मिल रहा है इसका सिम्स का। तो यहाँ पे आपको फुल फ्लज सिम मिल रही है, आपको 2 नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा 6 GB RAM के साथ है, मेन हाईलाइट इसकी 6 GB RAM के साथ होने वाली है, जो इसका सेलिंग पॉइंट होने वाला है। और 128 आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा, जो कि डाटा ज़्यादा सेव रखते हैं सेल फ़ोन में। और इसके अलावा पबजी के हवाले से आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी ही मिल रही है इसकी, प्लास्टिक बॉडी, लेकिन स्क्रैचेस में थोड़ी कम प्रॉब्लम आएगी, स्क्रैचेस बहुत कम होंगी इसके ऊपर, लेकिन फिर भी प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है। तो ऑल एंड ऑल एंड ऑफ द लास्ट बात करें तो इस प्राइस टैग में आपको और बहुत सी कंपनीज इससे बेहतर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन जो सैमसंग की ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू काफ़ी हाई है, तो ये इसके लिए बेहतर पॉइंट होने वाला है। तो सैमसंग ने बहुत ही ज़बरदस्त, चीज़ें बहुत बेहतर होती जा रही हैं सैमसंग की, लेकिन अगर पिछले सेल फोन्स की बात कर ली जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट सैमसंग लेकर आया है अपनी डिवाइसेस में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके बारे में एक डीप रिव्यू चाहते हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिवाइस कैसी लगी, ये सेल फ़ोन कैसा लगा। तो ये पाकिस्तानी मार्केट में 48,000 के प्राइस टैग के साथ मिल रहा है। तो बराए मेहरबानी, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल शहजादा पे न्यू हैं तो मेरे चैनल टेक्निकल शहजादा को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के साथ में बना हुआ बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।